हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और काफ़ी दोस्त आ गए हैं। कौन कौन आ गए हैं? एक मिनट रुकिए। जालंधर कुमार, वीवी शिवा, अलका, श्रुति, नवीन कुमार, अनिल कुमार, चंदा, गायत्री, गायत्री, मनोज कुमार, राखी, अंशु, वीना, सुमन। आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए सभी दोस्त। राजकुमार, राहुल, विक्रम, सोनी यादव, रेनू, आर के, शोभना जी, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। दोस्तों गुड इवनिंग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्रीति मिश्रा, रश्मि कुमारी, विकास कुमार जी, आ जाइए सभी दोस्त, आ जाइए। फिर हम लाइव क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों देखिए, वीरा जी भी आ गए हैं, काफ़ी दोस्त आ गए, सुमी जैन आ गए हैं। देखिए दोस्तों, लाइव चैट हमारी केवल और केवल पेड कोर्स के अंदर होती है। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ दोस्तों। जो फ्री की हमारी मैराथन क्लास होती है, उसके अंदर आप लाइव चैट नहीं कर सकते हमारे साथ। प्लस में उसमें क्या है कि उसमें काफ़ी एड्स आती हैं, बहुत ऐड आती है यूट्यूब के जरिए। हम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मैं बार बार कह चुका हूँ, प्लीज़ जितने भी दोस्त पेड कोर्स में ज्वाइन है, वो आप पेड कोर्स में आके, ऐप में आके, यहाँ पे आप लाइव क्लास लीजिए। यहाँ पे आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। केवी शर्मा, वीना, सोन, श्रुति, हर्षित, अरुण, गायत्री, जैन, अभिषेक, चंदा जी, सभी को गुड इवनिंग जी। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त आ गए होंगे, काफी दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मैं लाइव क्लास शुरू करते हैं। चलिए, इससे पहले दोस्तों एक 2 मिनट की हेल्प चाहता हूँ आप सभी दोस्तों से। हम एक सर्वे कर रहे हैं, एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूं मैं, युवाओं पर वेब सीरीज का प्रभाव। उस 2 मिनट का एक सर्वे है, 10 क्वेश्चन है छोटे छोटे, उनका आंसर देना आपको। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई दोस्त हमारी हेल्प करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। चलिए चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है हमारा। सर, मनोज कुमार ने ए दिया है, ए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अनिल कुमार ने डी दिया है, अरुण ने ए दिया है, अभिषेक ने डी दिया है, विक्रम डी जी, क्या है? एक सफल अध्यापक हो सकता है यदि वह, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ हिज, क्या होगा, कौन सा होगा जी? एम डी, एम के डॉन जी, आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, क्वेश्चन नंबर लिखिए जी। इसका आंसर ए और डी दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर ए होगा दोस्तों। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, वो एक सक्सेसफुल टीचर होता है। विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करे, ये तो चलो अच्छी बात है, ये उसके अंदर गुण हो सकता है, लेकिन एक सक्सेसफुल टीचर की बात की गई दोस्तों। यहाँ पे गुण की क्वालिटी की बात नहीं की गई, यहाँ पे बात की गई है कि एक सफल टीचर कौन होगा। सफल टीचर वो होगा जो अपने स्टूडेंट को अच्छा सिटीजन बनाने में सहायता करे। तो दोस्तों ये देख लीजिए कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है जी। काफी दोस्तों ने अच्छा जवाब दिया है, अनिल कुमार जी से यही उम्मीद थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? ये देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पहले बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। जागीर सिंह जी, गुड इवनिंग। सबरीन बानो, कॉमर्स ट्यूटोरियल, शोभना, मनोज कुमार, जागवीर, वीना, सुमन, रश्मि जी, डी आंसर दे रहे हैं सभी दोस्त, इसका आंसर डी दे रहे हैं। फरहान, आज मिल गया आपको लिंक, आज तो मिल गया हो काफी दोस्तों को। दीप शिखा, जैन क्लब, आर के जी, सभी दोस्त इसका आंसर डी दे रहे हैं। विक्रम जी, अलका, अरुण, नवीन, केवी, कॉमर्स ट्यूटोरियल, नीतू सिंह, सोनी पीछे चल रही है, चंदा जी, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका आंसर इवेल्युएटिंग आएगा दोस्तों, इसका आंसर मूल्यांकन करना, हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, सॉरी दोस्तों, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी में इवेल्युएटिंग आएगा, मूल्यांकन करना। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया इसका, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि आप सभी दोस्त अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी है। और किसी का गलत पा गया ना, देखना पिटाई करूंगा मैं आप सभी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता?
ये क्वेश्चन भी दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, पहले काफी बार आ चुका है जी। टोटल क्वेश्चन हमारे 20 है, 20 क्वेश्चन है हमारे। अनीता रानी जी, सारिका यादव जी, गुड इवनिंग सारिका जी, कैसे हैं आप? वीना सुमन, दीपशिखा, रश्मि, धूपेंद्र, रेणु जी, 3 का आंसर सी दे रहे हैं, सभी दोस्त सी आंसर दे रहे हैं इसका, मनोज यादव। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जी, बिल्कुल सही। सुरेश चंद्र, विनोद कुमार, रुद्र, ये हर्षित जी, जी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर हमारा सी आएगा जी। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वो इम्पैक्ट नहीं करती हमारे टीचिंग को जी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त किए जाते हैं? अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ, ये बताइए। सॉरी सर आई एम लेट, आपको घूसा लगेगा। अंजल एंजल एंटरटेनमेंट, ज्योति काजला जी नमस्ते, बिना सुन सारिका, राहुल शहजादी, अविराज, ओल्ड स्टूडेंट कहाँ गए? पता नहीं कहाँ, ये मैं बताऊं आपको, वो फरी वाली क्लास में वहां पे पागल हो रहे हैं यार, कितनी बार बताऊं यार। मैंने इन सभी को मैसेज भी कर दिया, पर्सनल मैसेज भी कर दिया, फिर भी यार पता नहीं क्यों वहां पे फ्री वाले क्लास में जाते हैं, पेड क्लास में लाइव चैट क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा इन लोगों को जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दुर्गा प्रसाद जी, गुड मॉर्निंग, हाँ, सुरेश, अभिषेक जी, ए आंसर, सी आंसर, डी आंसर, अरे क्या बात है, अलग अलग आंसर दे रहे हैं सभी, ठीक है, ये ठीक है, पिटाई होनी चाहिए आज। धूपेंद्र राय, नवीन कुमार, जैन क्लब, ज्योति काजला, रेनू, डी आंसर दिया इन्होंने और सी दिया, ये देखिए दीपशिखा ने सी आंसर दिया, अभिषेक ने ए आंसर दिया इसका, पिटेंगे आज। रुद्रा प्रकाश मिश्र जी, देखते इसका आंसर क्या होगा। रॉयल कंप्यूटर एजुकेशन, राजकुमार, बबीता शर्मा, अब देखो आज आए हैं बबीता शर्मा, पहले पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा, असाइनिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग अचीवमेंट टेस्ट। अरे अचीवमेंट टेस्ट आफ्टर टीचिंग किया जाता है, शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए टेस्ट किया जाता है। आप क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप जी, ज्यादा बिल्कुल सही आंसर दिया, बबीता शर्मा पिटेंगे एक तो, बबीता शर्मा आप क्या कर रहे हैं, आप कुशवा भी पिटेंगे, क्या कर रहे हैं दोस्त, और देख रहा हूं मैं, दीप सिंह, अभिषेक, इन्होंने ए दिया है, सी दिया है, अरे यार सही बात नहीं है, सही आंसर दीजिए यार, क्या कर रहे हैं आप। हाँ कुछ, हाँ कुछ दोस्त चेंज कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, और ये दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूस एंड कंपेरेटिव इवेल्युएशन, सीसीई की करेक्टरिस्टिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है ये बताइए दोस्तों। विनोद कुमार, मेरा सही हुआ जी, अच्छी बात है, कल हम लोग भटक गए थे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं सर जी? 20 है, मैंने बता दिया है, सॉरी सर कॉल आ गया था, आंसर नहीं दे पाए, ओके कोई बात नहीं जी। विक्रम जी, ज्योति, सबरिन, फौजिया बानो, अभिषेक, बबीता, सर मेरी टाइप बहुत खराब हो रही है आज सुबह से, अब फोन देखा है, ओके 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 जी, इसका आंसर डी दे रहे हैं और 2 भी आंसर है। रुद्र प्रकाश जी, घूसा लग जाए आपको, क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे आप जी। दीपशिखा, नवीन कुमार, राखी प्रजापति, डी आंसर है, बबीता, कल पता नहीं चला, फ्री वाली देखी थी, ओहो। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं किस किस की पिटाई होगी। जैन क्लब, गीता पांडे, विकास दुहन, मिताली वर्मा, अनीता, धूपेंद्र, डी आंसर दे रहे हैं सभी दोस्त, इसका आंसर डी दे रहे हैं, बी सी और डी जी। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर 4 है, बी सी डी बिल्कुल सही है दोस्तों। और अब कौन पिटेगा, कौन पिटेगा, एक तो यही आ गया, नया नया ताजा मुर्गा आ गया, रुद्र प्रकाश ये पिटे,
सही आंसर नहीं दे रहे सर आप, अच्छे से कीजिए। एक ये देखे, गीता पांडे भी पिटेंगी, ए आंसर दे रहे इसकी। इसका आंसर फोर होगा दोस्तों, बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के और सभी होंगे। यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है, वृद्धि नहीं करता, एक कंटिन्यूस कंपिटेंसिव इवेल्युएशन होता दोस्तों, साथ की साथ होता है इसके अंदर। तो ये भार कैसे होगा शिक्षा के अंदर, इससे तो रिड्यूस होगा ना शिक्षा का भार। क्या कर रहा आपने, ये जितने भी दोस्त, एक बात बता रहा हूं मैं, जितने भी दोस्त गलत आंसर दे रहे हैं, इन्होंने हमारी कल वाली क्लास नहीं देखी है, पिट जाओगे आप, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप गलत आंसर दे रहे हैं, क्लास नहीं देख रहे, हमारी रिसर्च की क्लास छूट गई थी। ओहो जी, आपकी गलती है, क्यों छोड़ रहे हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इसका बताइए दोस्तों। और इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में हमने एक क्लास ली थी दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है, और कल भी मैंने आपको समझाया था उसके अंदर, मैराथन क्लास के अंदर। और इनमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, बताइए दोस्तों। सर ओल्ड स्टूडेंट कहाँ गई, पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं आप भी। ओल्ड देखो कितने आ रहे हैं, मनोज कुमार जैन, क्लब गायत्री, गीता, वीना, ज्योति, काफी ओल्ड ही तो है सभी, गायत्री, सबरीन, मनोज जी, सभी ने इसका आंसर बी दिया है, और विकास दोहन ने इसका आंसर सी दिया है। ये बी वाले सारे पिटेंगे भाई आज, बी वाले सारे पिटेंगे, हाँ सारे, अनीता, राजकुमार, दीप शिखा, सभी पिटेंगे जो बी आंसर दे रहे हैं इसका, अभिषेक कुमार, हाँ वाह क्या बात है, वेरी गुड, जागवीर सिंह बच जाएंगे, पूजा यादव भी बच जाएंगे, इन्होंने सी आंसर दिया है। तो चलिए देखें क्या आंसर है इसका, पिटने के लिए तैयार हो, पिटू, चलिए बताता हूँ जी। देखिए इसका आंसर टू है, हा, जी इसका आंसर टू है दोस्तों, बच गए, बच गए, सभी बच गए। और सी देखिए किसने दिए, विकास दोहन ने इसका आंसर सी दिया है, और कौन है भाई और, अरे अब देखो दिख नहीं रहे जल्दी से, हाँ ये रहा जागवीर सिंह, पूजा यादव, ये भी पिटेंगे। सी कैसे होगा इसका, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात नहीं की थी हमने, इसके अंदर क्या होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर, यानी कि चार चार बार उसका इवेल्युएशन करते हैं फॉर्मेटिव। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी छोटी सी भाई, एक साल के अंदर चार बार समय समय पर उसका इवेल्युएशन किया जाता है, तो इसका आंसर टू आएगा। अधिगम, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लेके आना, जब हम छात्रों को जांचते हैं समय समय पर जांचते हैं, तो उनके अंदर क्या आता है, निखार आता है, उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है, ये कितना अच्छे तरीके से बताया था मैंने। सी आंसर दे है, चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस ग्राफ, ये नहीं होगा दोस्तों, इसमें ग्राफ वगैरह नहीं चेक किया जाता इसके अंदर स्टूडेंट का, इसमें समय समय पर बच्चे का परफॉर्मेंस देखी जाती है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, सोनी यादव सर मेरा भी नाम लीजिए, ओके ओके ओके, आप क्वेश्चन आंसर दीजिए फिर लेंगे आपका नाम, बहुत डर गया था सर। तवरण लाना मीन्स सर क्या होता है, इंप्रूवमेंट लेके आना, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लेके आना, तवरण का मतलब ये होता है। पूजा यादव जी, परफॉर्मेंस ग्राफ भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर जी, अभी तक तो हमने देखा नहीं है इसके अंदर, मैराथन क्लास में ये क्वेश्चन शामिल है पूजा जी। चलिए सेवन का ये बीना, राजकुमार, अभिषेक जी, सभी दोस्त इसका आंसर सेवन का ए दे रहे हैं, रश्मि कुमारी ने बी आंसर दिया इसका, नवीन कुमार, मनोज, फौजिया, के बी शर्मा जी, 100% ए होगा है सर। अभी अभी कथन और तर्क में थोड़ा सा संबंध बताए, इस प्रकार के प्रश्न हल करने में आसानी होगी जी। दुर्गा प्रसाद जी जरूर बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, मनोज कुमार, अरुण, चंदा, अंशु, अलका, बबीता, वंदना, पूजा, रोयल, धूपेंद्र, एम के डोन जी, अब की बार बिल्कुल सही, सेवन का बी लिखा है इन्होंने जी, ऐसे लिखा करें आप। सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, परेशान हो गए थे, ओहो पता नहीं, चलिए देखते दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर, लड़ाई मच गई भाई पड़ोस में, लड़ाई मच गई फिर से। जीवन एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था अधिगम, सीखना हम किसी से भी सीख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा लेके एक बुजुर्ग आदमी तक पूरे जीवन वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ये बात इसकी बिल्कुल सही होगी।
अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन परक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो चीज हम सीख रहे हैं ना, वो हमारी जिंदगी से रिलेट होनी चाहिए, तभी वो अच्छा अधिगम होगा। तो दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। और अब कौन भी ये देखिए, एम के डॉन डॉन सर सोनी यादव जी, आपने भी गलत दिया है, बी कैसे होगा। देखिए अधिगम तभी तो अच्छा माना जाएगा ना, जब उसको हम जिंदगी से रिलेट करके चलेंगे। अगर हम कोई गंदी चीज सीख लेंगे तो वो हमारी जिंदगी में क्या होगा, वो गलत इफेक्ट डालेगी, तो वो अच्छा अधिगम नहीं होगा ना। सर मेरा बिल्कुल नेट नहीं चल रहा है सर, मिस यू क्लास। ओ हो सर, राहुल जी मेरा इवनिंग में नहीं था सर, आपके पड़ोस में अधिक लड़ाई होता रहता है। हाँ 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 होता रहता है बस। चलिए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड है दोस्तों। टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आए, पहले बता रहा हूँ आपको, देख लेना। और ये देखता हूँ किसका गलत होगा, मैं घूसा मारूंगा। चंदा कुमारी आपका नाम ले, चंदा कुमारी सर मेरा नाम नहीं ले रहे, चंदा कुमारी जी ले रहा हूँ मैं, आपका नाम लिया है मैंने, आपने शायद सुना नहीं है जी। इसका बताइए, मनोज कुमार ने एट का सी दिया है, गायत्री ने, जैन कलम ने, ज्योति, के बी शर्मा, राजकुमार, वीना सुमन, प्रीति मिश्रा, किरण कुमारी, एट का सी आंसर, राखी प्रजापति, विक्रम, अभिषेक, रमेश, पूजा, शोभना, आर के कुशवाहा। सर नेट बीच बीच में जा रहा है जी, इवनिंग में ये थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। अरुण, श्रुति, सुमी, फौजिया, चंदा सिंह, अर्चना मिश्रा, ये देखो इसको तोड़ो रे, तोड़ो पकड़ के तोड़ो इसको, अर्चना मिश्रा को। अब आए इतनी लेट आए, घूसा मार दूंगा मैं, ये स्क्रीन टूट जाएगी आपकी। क्या कर रहे हैं यार, लेट क्यों आ रहे हैं आप जी। इसका आंसर सी दे रहे हैं और फरहानाज एट का बी दे रहे हैं जी। चलिए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सर मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेते, सुमी जैन लिया था मैंने आपका, हाय लिया था। चलिए अब आगे से ध्यान रखूंगा, चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों। इसका आंसर थ्री आएगा दोस्तों, थ्री ए सही है लेकिन आर गलत है और सी आंसर दिया जाता है दोस्तों ने। ये देखिए दोस्तों इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, जो भी चीज हम सिखा रहे हैं, जो भी टीचिंग जो होती है, टीचिंग के अंदर कुछ ना कुछ चीज सीखी जाती है। टीचिंग, टीचिंग का मतलब ही क्या होता है, टीचिंग का मतलब यही होता है कि हम किसी व्यक्ति को अच्छी चीज सिखा सके, कुछ ना कुछ सिखा सके। तो ए जो है, ए तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही होगा। आर आर की हम बात करते हैं, अधिगम को उपयोगी होने के लिए इसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। अब देखिए मैं आपको ये बात बहुत बार बता चुका हूँ कि अधिगम जो है वो हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं। अगर कोई बच्चा चल रहा है, बच्चा चलते चलते गिर गया या फिर कुछ चोट लग गई उसको, तो दूसरा बच्चा उससे सीख सकता है, भाई गिरने से चोट लग जाएगी, या फिर जो कुत्ता है कुत्ते को कुछ भी मारने से वो हमें काट लेगा। तो देखिए अधिगम सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें टीचर का होना ज़रूरी है या कोई हमें सिखा रहा है तभी हम सीखेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है। सर आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। ओहो मैं तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, आप लोगों की वजह से मैं परेशान हूँ, कोई लेट आ रहा है, कोई गलत आंसर दे रहा है। जी आज हमें टेस्ट के मूड में नहीं है सर, आज हम टेस्ट के मूड में नहीं है सर। ओहो क्यों सर, सॉरी सर फॉर लेट, चलते चलते ठेस ना सर। हाँ जी, तो इस तरह से इसका आंसर सी आएगा दोस्तों। समझने की कोशिश किया करो दोस्तों, शिक्षण और अधिगम में से काफी क्वेश्चन आए, लर्निंग और टीचिंग में से, मैं बार बार कह रहा हूं इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दिसंबर 2019 में भी आया, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फिर से, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका, शिक्षण और अधिगम जब तक अच्छे से नहीं आएगा पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। चलिए इसका बताइए दोस्तों, टेस्ट के मूड में है, आज टेस्ट के मूड में है सर। ओ अच्छा, ये कह रहे, मैंने सुना कि नहीं है। अरे अनीता रानी जी, मैडम जी, मैं 4 बार बता चुका हूं, 20 क्वेश्चन है टोटल,
समझ गए। चलिए इसका बताइए दोस्तों, यूनिक सॉन्ग, यूनिक सॉन्ग ने ए आंसर। सर आप ये नए हैं, नए ये बच गए, यूनिक सॉन्ग बच गए। क्वेश्चन नंबर लिखिए, नहीं पिटाई कर दूं आपकी जी। चलिए ना, रेणु शर्मा, नवीन कुमार, मनोज कुमार, सुमी जैन, ज्योति मिश्रा, वीना, किरण, अरुण, अभिषेक, चंदा कुमारी। अब ले लिया नाम, देख लेना। श्रुति, मिताली जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर सी दिया है। चंदा कुमारी ने ए आंसर दिया है, देखेंगे इसका जी। रमेश ने भी ए आंसर दिया है, और जो अलग आंसर दे रहे हैं ना उनको मैं ज्यादा देख रहा हूँ, हो सकता है उनका सही और इनकी वाट लग जाए। अगर ए सही हो गया ना, ये जितने भी सी आंसर दे रहे हैं इन सभी की वाट लगेगी। फिर देखा, मनोज यादव ने ए आंसर दिया है इसका जी, ए और सी आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर हम देखते दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा और देखेंगे कौन कौन पिटेगा। चलिए ये देखिए, इसका आंसर सी है दोस्तों, सी। अरे भैया, अरे मनोज सर, का कर रहे हैं भैया आप जी। मनोज और दुर्गा प्रसाद, और एक और कौन था, एक और भी था, रमेश जी, और एक और थे, कौन था, चंदा कुमारी। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। सी आंसर, थ्री आंसर होगा इसका, ए सही है लेकिन आर गलत है। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये चीज अभी तो बता के मारूं, खींच के लगाऊं तो मैं थप्पड़ खींच के लगाऊं मैं। अरे अभी तो बता के आया, बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में, नहीं बताया था क्या। ये देखिए, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ये चीज गलत है। अधिगम के लिए शिक्षण होना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ये चीज इसके अंदर है। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये गलत है। कितनी बार बताऊं मैं, हम कैसे भी सीख सकते हैं, चलते चलते गिर जाएंगे तो भी सीख जाएंगे, हमें टीचर सिखा रहा है क्या। अगर चलते चलते हमने कुत्ते को लाठी मार दी, कुत्ते ने हमें काट लिया, हम सीख नहीं गए कि कुत्ते को लाठी मारने से वो काट लेगा, टीचर तो नहीं सिखा रहा ना अपने को। तो दोस्तों आर जो है वो गलत होगा, समस्त शिक्षण अधिगम का परिणाम होता है, ये बात गलत है, ध्यान में दे लेना। यार मैं क्या करूं यार, मेरा बस नहीं चल रहा सच में यार। अगर मेरे को छूट दे दी जाए ना, और एग्जाम के अंदर आप गलत करो तो वहीं आके तोड़ू मैं, सच में तोड़ू। वहां पे तुम्हारे एग्जाम के ऊपर ही मैं खड़ा रहूं, कंप्यूटर पे खड़ा रहूं और देखता रहूं क्या आंसर लगा रहा है, क्या आंसर लगा रहा है, और जैसे ही उसका गलत आंसर लगा, थप्पड़ लगाऊं तो मैं पीछे से मैं जी। अनिल कुमार मंडल जी, आपका लेंगे सर नाम। चलिए चलिए अगला देखते दोस्तों, अगला आंसर क्या है। बिल्कुल आसान दोस्तों, और कौन ऑफ एक्सपीरियंस से काफी क्वेश्चन आए हैं। वीना सुमन जी, मैं देखूंगा सभी के, कुत्ता काट पर भी सकता है जी। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का, सर आप घर पर बुलाकर सभी क्लास लीजिए। हाँ जी, ये ऐसा ही करूंगा। अगला सेशन ना, मैं अगले सेशन में मैं ऑफलाइन बुलाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ऑफलाइन क्लास लेने लगूं फिर का होए। हे राम सर, कितने क्यूट डांट रहे हैं, हाय हाय। चलिए, अभिषेक कुमार, दुर्गा प्रसाद, किरण कुमारी, चंदा, केबी, अरुण, जागवीर सिंह, 100% फोर होगा जी। हे भगवान, अरे यार ऊपर चला जाता, नहीं पता सर आंसर। वीना सुमन, चलिए देखते हैं। अर्चना मिश्रा, भूपेंद्र ज्योति, दीपशिखा, दुर्गा प्रसाद, चंदा कुमारी, जैन कला, विक्रम, रश्मि कुमारी जी, राखी प्रजापति, सभी ने इसका बिल्कुल सही दिया है दोस्तों। सही आंसर है इसका, सही आंसर है डी आंसर है दोस्तों, देख लीजिए, सही आंसर है डी आंसर है इसका। क्या होगा इसका, एडगर डेल होगा दोस्तों, एडगर डेल होगा जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये थ्री जो है ना ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एडगर डेल इसका आंसर है दोस्तों, ये गलती से थ्री लिखा गया जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फोर इसका सही है। और दोस्तों कॉन ऑफ एक्सपीरियंस आप अच्छे से कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से कर लेना, इसमें से काफी क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। और इसका आंसर नंबर फोर है दोस्तों, ये गलती से थ्री लिखा गया, मैं पहले बता देता हूँ, कोई कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। तो 100% होना हाँ लगेगा फरहानाज, एग्जाम में आप आएंगे सर तो 100% करेक्ट होने लगेंगे, हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ। और जो भी गलत करेगा ना पीछे से थप्पड़ लगाऊंगा खींच के। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11।
सर इसमें समझ कुछ नहीं आया, पता है एडगर डेलगर का है जी। कोन ऑफ एक्सपीरियंस हमने करवाया हुआ है, वो आप क्लास के अंदर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है, ये बताइए दोस्तों। बिल्कुल आसान और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फौजिया बानो, अर्चना मिश्रा, वीना जागवीर, एम के डॉन और श्रुति, ज्योति काजला जी, अरुण लहोट, नवीन कुमार, मनोज कुमार, दुर्गा 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 प्रसाद। यार मेरे से नाम गलत निकल रहे, जल्दी जल्दी से माफ करना। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, मनोज कुमार, फरानाज, धुपेंद्र, विकास दोहन, विक्रम, रश्मि कुमारी, जैन क्लब, चंदा सिंह, चंदना चंदा कुमारी, चंदन कुमारी, अरे जो भी यार समझ जाओ, आपका ही नाम ले रहा हूँ, समझ गए होंगे। अंजल एंटरटेनमेंट, सरिता मिश्रा, विकास दुहन, ज्योति मिश्रा। सर बहुत भूख लगी है। हाँ, हमारे लिए भी भेज दो, ठीक है ना। गुस्सा आ रहा है सर, पहली बार तो मैराथन लाइव टेस्ट की क्लास लिया, उसमें भी नेट की स्पीड बहुत खराब आ रही है सर। चैट में सब 11वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और मेरी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न ही अटका है। ओहो, आर के कुशवा सर क्या करे यार, क्या करे, अब मैं क्या करूँ। सभी हर एक स्टूडेंट को मैं खुश करने की कोशिश करता हूँ, संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता यार, क्या करें। चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बिल्कुल सही है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दिया है, नैदानिक मूल्यांकन। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में से बहुत क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए दोस्तों, रियली स्टडी दिस चैप्टर फुली। चलिए दोस्तों, 2019 में आया था जी ये क्वेश्चन, काफी बार आ चुका है, काफी बार आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का ही क्वेश्चन है दोस्तों। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से सुनिश्चित होता है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। ये देखिए दोस्तों, ये और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख लेना जी। 12 का आंसर बताइए, 12 का बी 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 अभी से एक श्रुति। यार ये क्वेश्चन तो मेरे को देना ही नहीं था ना, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान यार, देखने से ही पता चल रहा है यार। अरुण लहोट, अब की बार सभी को पता चलेगा जी, देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं इतने आसान क्वेश्चन का कितना मुश्किल जवाब दे रहे हैं आप जी। चलिए देखते इसका आंसर क्या है, बी आंसर दे रहे हैं सभी, इसका आंसर बी दे रहे हैं जी। रॉयल्स, सरिता मिश्रा जी, चलिए देखते इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा, अरुण लहोट जी, आप गलत आंसर दिया है आपने। ध्यान से देखिए सर, यही तो क्वेश्चन है, पीछे वाला ही तो क्वेश्चन है। ये देखिए, कमियों और कठिनाइयों पर बल दिया जाता है कि स्टूडेंट में क्या कमी है, क्या उसमें दिक्कत है, उनका समाधान किया जाता, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों इसका आंसर। ऐसा मत कीजिए यार, ऐसा मत कीजिए, सभी नहीं पिटेंगे। हाँ सभी नहीं पिटेंगे, मैं अरुण लोहाट को ही तो देख के कह रहा था, सर आज 6 प्रश्न क्यों कम कर दिया, 6 प्रश्न कहाँ कम कर दिए मैंने। चलिए जी, इतने ही क्वेश्चन बने थे, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने थे, तो इतने लेके आए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यित करता है। कहने का मतलब ये है कि टीम शिक्षण के अंदर क्या होता है, टीम टीचिंग जो होती है, टीम टीचिंग उसके अंदर क्या होता है। दो से अधिक अध्यापक शिक्षक कार्य करते हैं, दो से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, दो से अधिक अध्यापक अपनी योग्यता अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाते हैं, अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने से तैयार और उपलब्ध करती है जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। जागवीर सिंह, अर्चना मिश्रा, जैन क्लब, फौजिया, वीणा, गीता पांडे, श्रुति, रेनू, गायत्री, अर्चना, केबी, ज्योति, चंदा, सुमी जैन ने 13 का बी दिया है आंसर जी। अनीता रानी, घूसा लग जाए, क्वेश्चन नंबर लिखो। एम के डॉन भैया, डॉन सर, डॉन मत बनिए आप। क्वेश्चन नंबर लिखिए, नवीन कुमार, आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे भाई, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। मनोज कुमार, अभिषेक कुमार जी, बी आंसर दे रहे हैं इसका, बी और सी है। दीपशिखा,
सी आंसर बी और सी आंसर दे रहे हैं इसका। विनोद कुमार ने बी दिया है, अलका ने भी बी दिया है, बिना विनीता रानी ने भी बी दिया है, सुरेश चंद्र ने सी दिया। सर आप रिक्वेस्ट है कम से कम 30 क्वेश्चन लीजिए। ओके जी ओके, कोशिश करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों कैसा होगा। सर ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए प्लीज। ओके ओके जी ओके, आगे से ज़्यादा लेके आएंगे जी। चलिए इसका आंसर मिक्सअप आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। इसका आंसर देखते दोस्तों, ये 24 जून 2019 को क्वेश्चन है, इसका आंसर सी आएगा दोस्तों। दो से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं, ये है ऑप्शन नंबर सी। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, बी पे हम बात करते हैं, दो से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं, ये बात इसकी गलत है दोस्तों। अगर आपको याद हो तो हमने बहुत अच्छे से किया है ये टीम शिक्षण। इसके अंदर क्या होता है कि जिस टीचर को जिस सब्जेक्ट की नॉलेज है, जिसमें उसको विशेषता हासिल है, वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है एक क्लास के अंदर। जैसे क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक सेमिनार हो गया, मान के चलते एक सेमिनार हो गया, उसके अंदर अलग अलग विषय के चार दो से तीन टीचर आ जाएंगे, वो अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने विषय के अनुसार जो स्टूडेंट है उनको ज्ञान देंगे, ये होता है इसके अंदर टीम शिक्षण के अंदर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सी इसका एक्यूरेट आंसर है, सी इसका एक्यूरेट आंसर है दोस्तों, अपनी योग्यता के अनुसार। जी बिल्कुल सही सर, मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं, वंदना गुप्ता। ओके 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 जी, अब ध्यान दूंगा मैं। सॉरी जी, अपाधापी में आंसर दे दिया, बट ऑनलाइन एग्जाम में आंसर चेंज कर सकते हैं। हाँ जी चेंज कर लेना, सही करना, मेरे को नहीं पता कैसे भी होना चाहिए, सही होना चाहिए, मेरा गलत, थैंक गॉड एग्जाम से पहले पता चल गया। हाँ सर मनोज सर सही से दीजिए सर, आपको तो मैं डांट भी नहीं सकता, क्या करूं मैं। वंदना गुप्ता ने 10 का डी दिया है जी, ये शायद लेट चल रहे, ये सर होगा जल्दी में गलत हुआ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सूची में क्या अधिगम कर्ता केंद्रीय उपागम से संबंधित है। अधिगम कर्ता लर्नर सेंट्रिक कौन सा है दोस्तों, लर्नर सेंट्रिक कौन सा, इसमें ये बताइए। अधिगम कर्ता जो स्टूडेंट के, जिसके अंदर स्टूडेंट खुद विषय का चुनाव कर सकता हो, खुद लेसन खुद वीडियो, यानी कि अपने अनुसार स्टूडेंट कोर्स का चुनाव कर सकता हो, उस वो क्या होगा दोस्तों, स्वयं होगा, कंप्यूटर होगा, MOOC होगा, क्या होगा इसके अंदर जी। 14 का ए दिया है जागवीर ने, इंग्लिश मत दो सर। ज्योति काजल 14 का ए, 14 का ए, 14 का ए आंसर है सर। ऑप्शन 4 एंड 5 तो सेम है, 4 एंड 5। हाय 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 हाय, हाँ ये तो यार, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसमें तो ऑप्शन ही सेम है। हेलो चलिए इसका आंसर ही देखते हैं दोस्तों, पूजा यादव, रश्मि फरानाज, चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ये सेम हो गया, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, स्वयं और कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन, ये होगा तो नहीं सॉरी, 1 और 3 होगा, स्वयं और MOOC। स्वयं के बारे में हमने बात की थी दोस्तों, ये एक स्वयं एक पोर्टल है जिसके ऊपर स्टूडेंट अपने अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकता है, क्या उसको पढ़ना, किस में उसको एडमिशन लेना है। इसी तरीके से MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसके अंदर भी स्टूडेंट अपने अनुसार कोर्स डिसाइड कर सकता है और अपने अनुसार वो क्लासेज ले सकता है, तो इसका आंसर एक आएगा, यानी कि 1 और 3 जो है वो आएगा इसका आंसर। सब रट्टे लगा कर आए हैं जिन्होंने आंसर दिया है, क्वेश्चन को समझो भी यारो। जी बिल्कुल सही जी, समय में एंड MOOC जी बिल्कुल सही, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हाँ दोस्तों अभी सभी दोस्त जितने भी ऑनलाइन है ना, अर्चना मिश्रा का ये देख लीजिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स फुल फॉर्म देख लीजिए, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से हमारा शिक्षण और अधिगम से आ गया।
ये शिक्षण अधिगम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला जी। यह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करता है? शिक्षण टीचिंग और लर्निंग के अंदर कौन सा अंतर करता है? और ये डिट्टो कॉपी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। ये जो डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है ये देखिए 4 दिसंबर 2019 को आया है और ये क्वेश्चन पहले भी आया है। बताइए किसको याद है ये पहले क्वेश्चन कब आया है? 2019 से पहले ये क्वेश्चन 3 बार डिट्टो कॉपी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। डिट्टो कॉपी इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐड किया मैंने जी। पढ़ के भी आते हैं कुछ तो। हाँ जी जी बिल्कुल सही, पढ़ के भी आते हैं जी। 15 का बी अर्चना मिश्रा ने बी दिया है, इसका ए ए आंसर दिया, अर्चना ने ए दिया भाई। फरहा ने 2016 में आया था। चलिए मैं बता देता हूँ, ये नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया था दोस्तों, 2017 में क्वेश्चन आया था जी। 15 का ए आंसर है। चंदा कुमारी कह रहे हैं, जागवीर, शोभना, चंदा, फौजिया, श्रुति, प्रीति, पूजा, किरण, नवीन, वंदना, एम के डोन, 15 का ए। विनोद कुमार 15 का बी 2018 में आया है जी। ये काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अरुण, विनीता, हर्षित, ज्योति, सुमी, रमेश, मनोज, रश्मि, मिताली जी, 15 का आंसर ए और बी दे रहे हैं। अर्चना मिश्रा ने ए आंसर दिया है, 15 का ए, 100%। अच्छा, और अगर 100% गलत हुआ, फिर गलत हो गया, फिर क्या करूं, लगाऊं घूसा तुम्हें? अगर गलत हो गया तो देख लेना, गलत हो गया तो फिर चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। और ये काफी बार कर चुके हैं हम, इसका आंसर ए आएगा। बच गए अर्चना जी, बच गए आप जी। ए, सी और ई इसका बिल्कुल सही है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है। ये सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। सी और फिर है ई। शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर से लक्षित है जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है जी। बिल्कुल सही सर। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो ये जो गीता पांडे पिटेंगे आप, गीता पांडे पिटेंगे, इन्होंने आंसर दिया है, बी आंसर दिया है। गीता पांडे मैं क्या करूं आपका, क्या कर रहे हैं यार? अरे एग्जाम सर पे आप फिर भी गलत दे रहे हैं। ये देखिए रमेश जांगिर ने भी गलत दिया इसका आंसर। और कौन है मैं बताऊं? और ये देखिए विनोद कुमार मिश्रा, 15 का बी, देख लीजिए, पिट जाओगे आप, पिट जाओगे। विनोद कुमार मिश्रा क्या कर रहे हैं आप एग्जाम सर पे? अनिल कुमार मंडल, क्या बात है, क्या बात है, पीटू मैं, सभी महारथी अपने आप में बने फिरते हैं। क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं, पिट जाओगे। सी वाला जो ऑप्शन है क्या वो लोग वो होगा ये सही? प्लीज एक बार जरूर एक्सप्लेन करिए जी। सी वाला ऑप्शन सी। शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है जी। बिल्कुल सही। शिक्षण टीचिंग क्या है? टीचिंग जैसे हम स्कूल के अंदर जाते हैं वहां क्या है, हमें पैसे के अंदर शिक्षा मिलती है। लेकिन अधिगम जो है, अधिगम आपको 1,000 बार का 1 करोड़ 4 बार पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि अधिगम हम कहीं भी सीख सकते हैं भाई साहब। अधिगम एक छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा भी सीख लेता है। जब हम कुछ बोलते तो वो हमारी नकल करता है, हम उसको सिखाते नहीं है, अपने आप सीखता है। उसको उससे हम पैसे नहीं लेते, बच्चे से कभी पैसे नहीं लेते, भाई ये ले तू हमें पैसे दे तब हम आपको सिखाएंगे। अधिगम जो है वो हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं, लेकिन टीचिंग के लिए हमें पैसे देने पड़ सकते हैं। शिक्षण बेचने का नहीं है, बेचने का नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है, ये एज ए व्यापार मान सकते हैं इसको हम। आपने इतना अच्छा बताया है सर कि अब आसान हो गया फर्स्ट पेपर जी। सर ई ऑप्शन को एक्सप्लेन कीजिए। ई शिक्षण अधिगम और शिक्षण जो है अधिगम की ओर लक्षित है। शिक्षण क्या है? शिक्षण की से क्या आता है हमें? अधिगम आता है। और शिक्षार्थियों की ओर लक्षित है, सॉरी शिक्षण जो है दोस्तों अधिगम और शिक्षार्थियों की ओर लक्षित है। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अधिगम करना और स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज देना। जबकि अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है। अधिगम जो भी हम
सीखते हैं ना वो हम स्वयं के लिए सीखते हैं। कोई भी काम करके देखते हैं, कुछ भी मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कहीं पे जा रहे हैं, उससे जो सीखते हैं वो केवल अपने लिए होता है जो, लेकिन शिक्षण जो होता है ना, शिक्षण का उद्देश्य होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा समझा सके विद्यार्थियों को। ऑप्शन नंबर ई का एक्सप्लेनेशन ये है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर ये लाइन डिफरेंशियल के राइट है, बट क्या सच में राइट सेंटेंस है क्या? सॉरी जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। चलिए दोस्तों, आज अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 16। नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविकता में योगदान नहीं करते। हा। आप पिटेंगे जिसका भी गलत हुआ ना। ये देख लीजिए, 4 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन आया और पहले भी करके आए, यही क्वेश्चन हम पहले करके आए हैं अगर आपको याद हो तो। आई बात समझ में? यही क्वेश्चन करके आए हैं। बताइए शिक्षण को कौन कौन प्रभावित नहीं करता, वो बताइए कौन प्रभावित नहीं करता जी। ये देखिए, रुद्र प्रकाश ने 16 का ए दिया है। रॉयल कंप्यूटर वीडियो बफर हो रहा है जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। वीना सुमन 16 का 4 है। डीए जाविर मनोज, यस जी वीना जी, बट मुझसे याद है कि किसी को क्वेश्चन वाला गलत बताया गया है। सॉरी मैं समझा नहीं जी आपकी बात जी। पूजा यादव, सुमी जैन, रेणु, मनोज, अरुण, अभिषेक, गायत्री, प्रीति, जैन क्लब, एम के डॉन जी, रॉयल, अनिल कुमार, राज कुमार जी, नवीन, दीपशिखा, श्रुति, मिताली, नीतू, फरा, चंदा, किरण, ज्योति माँ। 16 का डी है, ए बी डी। चलिए देखते हैं, ए बी डी आएगा इसका। ए तो सभी को याद है ना, ए तो सभी को याद है। जो ए को याद नहीं रखेगा उसकी पिटाई करूं मैं। ओहो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया एंजल जी। जी 16 का डी आंसर दे रहे हैं विनोद कुमार मिश्रा। रुद्र प्रकाश मिश्रा ने भी 16 का 4 आंसर दिया है, ए बी डी। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जी। इसका आंसर 4 है दोस्तों, ए बी डी बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के सभी, शिक्षक का विषय ज्ञान वो होना जरूरी है, वो शिक्षण को प्रभावित करेगा। लेकिन और जो है ना, जैसे शिक्षक की सामाजिक पृष्ठभूमि, ये अभी हम करके आए हैं, शिक्षक और विद्यार्थी की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है, अभी हम करके आए हैं है ना। छात्रों प्रसन्न करने के लिए शिक्षक का कौशल, छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, ये भी जरूरी नहीं है जी, बिल्कुल सही। और एक जने ने, किसने आंसर गलत दिया है अभी, मैंने ना सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है उसमें देख के अभी बता देता हूं मैं किसने इसका आंसर गलत दिया है। एक बंदा आया था यार पकड़ में मेरे, कौन है कौन है? अरे यार भाग गया ये बीच में ना, सीसीटीवी कैमरा मेरा काम करना बंद कर गया दिखता है। नहीं है, नहीं है, नहीं 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 नहीं, बच गए भाई बच गए, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, बच गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बहु कुशल वृत्तियों द्वारा बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। सीधी सी बात है, ऑनलाइन टीचिंग से एक साथ बहुत ज्यादा संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है या नहीं पढ़ाया जा सकता है, बताइए। और जो आर तर्क है, ऑनलाइन शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण की तुलना में छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करता है, बताइए क्या होगा। आज राहुल शर्मा शहजादी खान नहीं है, ये यार क्या करें इनका, क्या करें? मैं तो बता चुका हूं, मैं तो हर किसी को बताता हूं, नहीं आता तो मैं क्या करूं। कैमरा ऑन करो जी, मैंने देखा कोई, किसी ने गलत नहीं दिया, बच गए जी। गायत्री मंत्र 17 का ए, वंदना गुप्ता 17 का सी, वीना रुद्र, हाँ देखो देखो देखो, अब कैमरा ऑन कर लिया मैंने, वीना सुमन ने डिलीट कर दिया है अपना आंसर। ज्योति, जागवीर, अभिषेक, रेणु, फरहा, धूपेंद्र, पूजा, विक्रम, चंदा, सुमी, अनीता, श्रुति, दीप्ति, केबी शर्मा, राजकुमार, अरुण, अंजला, एंजल, नवीन, मनोज कुमार, अनिल कुमार मंडल जी। 17 का सी आंसर है, ए है, देखो
केवी शर्मा ने ये आंसर दिया, कई अलग आंसर भी दे रहे हैं। नहीं सर, गलती से चला गया, भगवान भगवान कसम। ओह चलिए कोई नहीं जी, हमने विश्वास कर लिया, जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे तो विश्वास कर लिया हमने। चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी है जी, बिल्कुल सही दोस्तों। ए सही किंतु आर गलत है जी, बिल्कुल सही दोस्तों। इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज है ही नहीं, हम सबको पता है। एक साथ बहुत ज्यादा छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। और देखिए अब मैं कैमरा ऑन करके बताऊं, ये देखिए रॉयल कंप्यूटर एजुकेशन ने ए आंसर दिया इसका। और देखिए और किसने दिया, हर्षित वर्मा, हर्षित शर्मा ने, और के बी शर्मा ने, और किसने दिया भाई, ये देखिए फरहनाज ने ए आंसर दिया है, अभिषेक ने डी आंसर दिया है, रेणु शर्मा ने डी आंसर दिया है, ध्यान से देख लो, चंदना कुमारी ने भी ए आंसर दिया है। पिट जाओगे आप, पिट जाओ, ध्यान से करो काम भाई। ये देखिए जून 2013 में क्वेश्चन आया दोस्तों, जून 2013 में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज के टाइम पे ये बहुत लागू होता है जी। बताइए वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है। इसमें पिटेंगे, वाह क्या बात है, इसमें पिटेंगे, अब देखेंगे तेरा क्या होगा कालिया। 17 एक्सप्लेन करे प्लीज, रुद्र प्रकाश मिश्रा जी। अब तो चला गया क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, देखिए दोस्तों अगर आप किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो हमने ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है लाइव क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ में ना आए जी। ये देखिए श्रुति सिंह ने 18 का सी दिया है, के वी शर्मा ने डी, विक्रम अरुण सी जी, डी सी ए, डी सी आंसर आ रहा है इसका, डी और सी आ रहा है। मनोज कुमार सी, अर्जुन शर्मा, अर्जुन शर्मा आज लेट कैसे हो गए आप, कहाँ वो धनुर्विद्या सीख रहे थे आप, धनुष चलाना सीख रहे थे क्या, और कृष्ण अर्जुन के साथ घूम रहे थे क्या, आप क्या कर रहे थे, आप द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे कुछ जी। 18 का सी, आजकल ई लर्निंग जी, देखते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होगा इसका आंसर जी। फरहानाज, मिताली वर्मा सर, नेट इशू था। ओहो अर्जुन, अनिल कुमार मंडल 18 का डी, मनोज, रमेश जांगीर, मिताली, हर्षित, वंदना कुमारी, विनीता, सरिता जी। चलिए आंसर देखें, और कई पिटेंगे भाई, कई पिटेंगे, कई पिटेंगे, इसमें पहले बता रहा हूं, कई पिटेंगे इसमें जी। चलिए इसका आंसर होगा डी। हा। घूसा लगाए अब जी, क्या कर रहे हैं आप। अनुपमा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सोनी यादव, ये देखिए कौन कौन पिटेगा, जिन जो जो पिटेंगे उनका नाम ले रहा हूं, सोनी यादव, मनोज कुमार, अर्चना मिश्रा, मिताली वर्मा, फरहा और रमेश, अर्जुन, अरे कितनों का नाम लो है, कुमारी, विनीता, वंदना, हर्षित, आए भगवान, अरे लाइन में लग जाओ भाई, लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, सभी को तोड़ूंगा आवाज। यार ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, मनोज कुमार सर कहाँ है आपका दिमाग, अब मैंने पहले नहीं करवाया था, ये ब्लेंडेड लर्निंग की बात की थी हमने, जिसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों का यूज किया जाता है। ये देखिए अत्यधिक प्रभावी विधि, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों हमें लेके आनी पड़ेगी तो काम चलेगा। केवल और केवल आप बताइए, अगर हम ऑनलाइन पढ़ा दे, सब कुछ ऑनलाइन 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 चलता रहे, बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाते रहे व्हाट्सएप पे, तो क्या ये इफेक्टिव लर्निंग होगी क्या, बताइए इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग कौन सा होगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों को फिर क्या कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। क्या कर रहे हैं आप, आज मुर्गा मुर्गी बनाऊंगा मैं सभी को, सभी लग जाइए, सभी लग जाइए, आज तोड़ूंगा मैं सभी को, घूसा लगाऊंगा, क्या कर रहे हैं आप पागलो, क्या क्या करो, हंसी आ रही है और गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे, ऐसे भैया मेरी बहन जी, मेरे भाई जी, ऐसे नेट रुक जाएगा, फिर ये कहोगे कि सर एक दो नंबर से हमारा रह गया, घुसा लग जाएगा। चलिए अर्चना मिश्रा, हाँ
ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिक्सर, इट मीन ब्लेंडेड लर्निंग। अब याद रहेगा सर? हाँ, अब याद नहीं, घूसे लगाने पड़े तब जाके याद रहेगा तुम्हें, ऐसे याद नहीं रहने वाला। शोभना, नारायणा ये हंस रहे हैं, शायद इनका ठीक हो गया है ना। चलिए अरुण लहोट जी सर, नेट नहीं सर, जी आर एफ। हाँ, तो अगर ऐसे आप गलत आंसर दोगे तो कैसे नेट जी आर एफ होगा, कैसे होगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज क्या, ये बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, बताइए। ये देख लीजिए, ये देखिए, दिसंबर 2013 में आया था और बाद में भी ये क्वेश्चन आया है। अब बताते हैं, रेणु शर्मा, जैन क्लब, अनिल कुमार, जागवीर, रश्मि, सुमी जैन, वीना सुमन, अर्चना, केवी, अनिल कुमार, शोभना, अभिषेक, चंदा, एम के डोन, किरण कुमारी, नीतू सिंह, अर्जुन, अनुपमा, पूनम जी। काफी दोस्तों ने इसका आंसर बी दिया है जी। अब देखिए सी भी आया, रमेश जांगिर ने सी आंसर दिया, इसका डी भी दे दो कोई। डी और ए ने आपका क्या कर दिया, उसने क्या बिगाड़ा है, डी और ए नहीं दे रहे जी। मिताली वर्मा, धूपेंद्र, केवी, ज्योतिमा मिश्रा, शोभना, नारायणा जी। देखते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अर्चना मिश्रा जी, शर्मा, संजय मेहता जी। सर ज्यादा क्वेश्चन लाए, एटलीस्ट 25 तो होने चाहिए जी। देखिए मेरा मकसद ये होता है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छी नॉलेज, इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि कम से कम और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिखें जी। बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इसका बिल्कुल आंसर सही है, व्यवहार संशोधन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अच्छा अधिगम वही होता है जो हमारे व्यवहार में चेंज लेके आए, पॉजिटिव चेंज लेके आए, वही हमारा अधिगम होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। सर सर बी ही होगा, गलती से सी दे दिया। ओके ओके, कमल जी शायद लेट आए हैं क्या आप, सर ओवरलोड ना हो जाए। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ओवरलोड ना हो जाए और मिक्सअप ना हो जाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन, देश के जितने इम्पोर्टेंट हैं उतने ही सही है सर। अनिल कुमार मंडल जी देखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में एक छोटी सी 2 मिनट चाहिए मेरे को, याद है ना आप सभी को, 2 मिनट की हेल्प कौन कौन करेगा, मैं, मेरे को पता चल जाएगा जो जो दोस्त हेल्प करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेशन के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी इवैल्यूएशन सिस्टम है जिसके अंदर टीचर और शिक्षक का आदान, जो कम्युनिकेशन होता है, उनके अंदर फीडबैक होता है। फीडबैक किसके अंदर होता है, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, बहुत अच्छे से बताई है, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को पता है जी। मैराथन क्लास में जितने पढ़ेंगे क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं, प्रीति मिश्रा, अर्जुन शर्मा, अर्चना मिश्रा, वीना सुमन, अभिषेक, ज्योति, संजय, सुमी, सुरेश, राजकुमार, रश्मि, पूजा, अर्चना, अरे काफी दोस्त आगे, नवीन कुमार, जागवीर, वंदना, रश्मि, राजकुमार, दीपशिखा जी, श्रुति सिंह, एम के डोन जी। बी आंसर है, मोस्टली दोस्तों का आंसर बी दिया है, कुमारी विनीता, संजय मेहता, एम के डोन जी, अंशु शर्मा, मनोज यादव, अर्चना मिश्रा। 20 का बी, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव जी। जी बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी दोस्तों ने, इसका आंसर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा दोस्तों, आंसर नंबर 2 बी, निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, वीना सुमन जी क्यों ललचा रहे हैं आप हमें, रुक जाइए, अगर लास्ट में फीडबैक दे तो क्या बोलेंगे, लास्ट में फीडबैक दे तो मीन्स सर मैं समझा नहीं आपकी बात, लास्ट में फीडबैक दे तो मतलब क्या,
जी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जरूर वहाँ पे आपको बता देंगे जी। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास थी, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों रुकिए, अभी किसी को जाना नहीं है, जाना नहीं है, मैं देखना चाहूँगा कि कौन हमारी हेल्प करेगा। और उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्री की मैराथन क्लास होती है ना, वो रिकॉर्डेड होती है, उसके अंदर हम लाइव चैट नहीं कर सकते, प्लस में उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड आती है, ठीक है। फ्री का मतलब फ्री है दोस्तों। और जो ये हमारी पेड कोर्स है, इसके अंदर आप चैट कर सकते हैं, हमारे पास ऐड नहीं होती इसके अंदर। तो सभी दोस्त इस एक तो ना ऐप के अंदर जो चैट होती है उसमें आप ध्यान दिया करें, ऐप में जो चैट है उसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं, कब क्या होने वाला है, ठीक है जी। चलिए अब आपसे मैं 2 मिनट की हेल्प चाहूंगा। आप सभी दोस्त, एक मैंने सर्वे का लिंक दिया है दोस्तों, मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, तो रिसर्च पेपर में एक सर्वे है, तो उस सर्वे में 10 क्वेश्चन है, उन 10 क्वेश्चन का आप आंसर देना। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन हमारी हेल्प करेगा, केवल केवल 2 मिनट की सहायता चाहिए आपकी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त हमारी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल जवाब है तो वही बात, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, ओके बाय 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 बाय। चले ना, चले चले चले, ओके दोस्तों, बाय बाय।